नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। ये एक नया कार्यक्रम मोदी वॉच नाम से हमने हरम स्टूडियो पर प्रारंभ किया। उसके पीछे प्रेरणा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब वो न्यूयॉर्क आए थे और उनका जो कार्यक्रम हुआ था, तब मैंने सनातन इनसाइट नाम से कुछ प्रकल्प प्रारंभ करने का विचार किया था। थोड़े बहुत कार्यक्रम किए थे। मुख्य बात थी अपने भीतर जो भाव है उसको सत्य के साथ प्रकट करने का उत्साह दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई लोगों से कई स्तरों पर कैसे जुड़ जाते हैं वो मुझे तब भी आश्चर्य में डाल देता था, और अब भी, विशेष करके आज जब हम सत्य और साहस के निमित्त ये बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा रशिया की और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी से मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका में नेटो देशों की बैठक हो रही है, और अभी रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको लेकर रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। हालांकि भारत और रशिया के बीच के संबंधों में एक सिलसिला जो पिछले 25 वर्षों से चला आ रहा है, उसके चलते राष्ट्राध्यक्ष समय समय पर आपस में मिलते रहे, और ये मुलाकात 2019 के बाद में हो नहीं पाई थी। कोविड भी आ गया था और ये यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका की भी ये चाह थी कि भारत और रशिया के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन जी के मध्य में इस तरह की घनिष्ठता न दिखे, और G20 में भी व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आए थे। बहरहाल बात मैं जब कर रहा हूँ ट्रूथ एंड करेज की, तो ऐसी स्थिति में जब ये आपको पता होता है कि पाश्चात्य देश इस बात से आपसे अप्रसन्न होंगे, आपसे का मतलब भारत का मतलब भारत के नेतृत्व से अगर वो पुतिन से मिलने जाते हैं तो, पर उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, कौन उनका मित्र है सच्चा, और किस तरह से रशिया के साथ संबंध भारत में इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकने में सहायक हुए हैं, और अन्य कई स्थानों पर किस तरह रशिया भारत के साथ खड़ा रहा है। अभी जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो ठीक नहीं है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो क्या ऐसे में पुतिन के साथ मिलना, गले मिलना, इस तरह के दृश्यों का बाहर आना या उनका ये कहना कि ये बहुत साहसी है, वो क्या उनके विपरीत जाता है? क्या असर इसका होगा वो इस पर निर्भर करता है कि आप इसको कहां से देख रहे हैं। पर फिलहाल हम बात वहां से शुरू करते हैं जहां आप इस बात की सराहना किए बिना नहीं रह सकते कि ये मनुष्य जो अपने जीवन के 7 दशक से आगे के समय में इतनी उत्साह और फुर्ती के साथ में, इतनी एकाग्रता के साथ में, इतनी सौम्यता के साथ में अपने आप को संतुलित बनाए हुए कई रूपों में सक्रिय रहता है। 9 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार पदभार संभाला, और 9 जुलाई को वहां रशिया में इंडियन जो डायस्पोरा है उनको संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, उसका छोटा सा अंश लेकर फिर मुख्य बात की तरफ बढ़ेंगे। और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी, और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तो ये जो प्रण करने वाला मनुष्य हो, जो अपनी तीसरी टर्म में 3 गुना ताकत से काम करने का संकल्प लेता हो, जबकि वो पोजीशन किस तरह की बातें उनके बारे में कह रहा हो, और लगभग 217 संबोधित रैली को संबोधित करने के बाद में जो 400 पार वाले नारे से बहुत पीछे रह गए, उससे कहीं भी हतोत्साहित नहीं होकर राष्ट्र के लिए काम करने वाला जो जज्बा है और जो योग का अभ्यास है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी सहायक हो रहा है। पर अब हम बढ़ाते हैं बात को उस तरफ जहां आप देखेंगे वो दृश्य जिसमें हम सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब उन्हें रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल है। हालांकि इसकी घोषणा तो 2019 में ही हो गई थी, ये बाकायदा पुतिन जी ने उनको पहनाया, और
थोड़ा सा इसका जायजा लेते हैं, उसके बाद उस वक्तव्य की तरफ जाएंगे जिसके कारण मैंने ये कार्यक्रम बनाने का विचार किया। तो थोड़ा सा उसका संकेत आपको दे दूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित थे और जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, उसी कालखंड में अमेरिका में नेटो की बैठक और इस बीच में यूक्रेन पर रशिया का एक और हमला, और उसमें एक मिसाइल जा गिरती है एक ऐसे अस्पताल पर जिसमें बहुत सारे नन्हे मासूम बच्चे भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी स्थिति में एक खूनी एक हत्यारे के रूप में तो उनको देखना बहुत आसान पूरे विश्व के लिए हो जाता है। ऐसे मनुष्य के पास में संयत रूप से जो बात सारा विश्व उनको कहना चाहता है वो सभ्यता में रहते हुए उन तक पहुंचाने के लिए अपने आप में स्पष्टता और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। तो क्यों ना पहले आपको वहां लिए चलते हैं जहां इस जो दृश्य आप देख रहे हैं इस बैठक में दोनों के मध्य की बातचीत में जो कि दुभाषिये के द्वारा हो रही थी, प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते थे उसका रशिया में अनुवाद होता था और फिर वो और जिस तरह से वो देख रहे हैं इससे भी आपको पता चलता है कि दोनों के मध्य में एक मैत्री का भाव और अपने एक निजी स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत पुतिन जी द्वारा एक रात्रि पहले किया गया था जहां उन्होंने अपनी कार्ट में उनको अपने फार्म जैसे स्थान का टूर भी करवाया था और कई तरह की बातें अनौपचारिक रूप से भी 4-5 घंटे दोनों नेताओं के मध्य में हुई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारत का नेता इस तरह की बॉन्डिंग अलग अलग विश्व के नेताओं के साथ में बना पाए और जिसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि वो बचपन में चाय बेचने वाले स्थान से निकलकर जब इस जगह पहुंचे हैं तो उसके मध्य में उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा रही है उसका भी बड़ा योगदान है। और इसके बारे में एक और कार्यक्रम बनाकर जो हम ऑस्ट्रिया यहाँ से गए हैं वहां पर क्या प्रतिक्रिया रही है वो भी हम आपको बताएंगे। पर फिलहाल हम चलते हैं उस वक्तव्य की तरफ जिसमें आपको दिखाई देगा कि आपके मन की बात बल्कि पूरे विश्व के मन की बात रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके सामने बैठकर कहने की स्थिति में शायद ही विश्व में कोई और नेता हो। आइए समझे, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। Возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. एक्सलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होते हैं। बम बंदूक और गोलों के चलते शांति वार्ता संभव नहीं, इस प्रकार के जो उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थे इससे अधिक स्पष्ट कोई व्लादिमीर पुतिन को किस तरह से समझा सकता है। और अभी पूरे विश्व में संभवतया एकमात्र नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो इस प्रकार दो टूक बात उनके मुख पर उनको
कहने के बाद भी उनके गले लगकर वो जो केमिस्ट्री है उसको बरकरार रख पाते हैं। मुझे लगता है ये जो डेलिकेट बैलेंस है डिप्लोमेसी का ही नहीं बल्कि ह्यूमन रिलेशंस का भी, वो हम में से बहुत लोगों को सीखने की आवश्यकता है। और आलोचना करना बहुत आसान होता है, पर उस स्थिति में जिस तरह से एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परफॉर्म किया है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसकी सराहना करते हुए उनको एक बार बधाई हम आपके साथ देना चाहेंगे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल जो उनको दिया गया, और उसके बाद जो उन्होंने बात कही उसमें भी शांति का, समन्वय का उल्लेख कहीं ना कहीं आता था, उसका ये एक अंश प्रस्तुत। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। तो आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और हम पुनः एक बार अपनी ओर से उनको बधाई देने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो प्रेरणा के बीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चिंतन से और उनके वक्तव्य से और जिस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, या एज अंग्रेजी भाषा में कहें तो दे ही कैरीज हिमसेल्फ अमंग ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, दैट आई थिंक स्टेम्स फ्रॉम हिज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एज अ होल। और ये जो आध्यात्मिकता वाला उनका एक गुण है उसको विश्व के कई नेता भी महसूस करते हैं, और शायद उसके बिना उस तरह का खुलापन और उस तरह की उन्मुक्तता किसी मनुष्य के भीतर आ नहीं सकती जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हम देखते हैं। और बिना किसी संकोच के जो सत्य है उस पर अडिग रहते हुए साहस के साथ उस तरफ कदम उन्होंने बढ़ाया, तो ये ट्रुथ और करेज नाम से मोदी वॉच श्रृंखला के पहले अंक के रूप में आप तक हमने पहुंचाया। अगर आपका प्यार इस श्रृंखला को मिलेगा तो ये और जल्दी परवान चढ़ेगी, ऐसा स्वाभाविक है। तो आपका सहयोग लाइक शेयर के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से मिले, ऐसी कामना, और पूरे विश्व में शांति के लिए प्रार्थना के साथ में नमस्कार।